हेलो स्टूडेंट, विल कंटिन्यू अवर टॉपिक 14.5 इलेक्ट्रिक बेल। वी आर क्वाइट फेमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल। इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। लेट अस सी हाउ इट्स वर्क। जैसे कि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक बेल क्या है और जो है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सो वो कैसे वर्क करता है तो हम देखते हैं। फिगर 14.20 शो द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ कॉइल ऑफ अ वायर वुडन ऑन आयरन पीस। द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट अ वन एंड इज कीप्ड क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी देखो, ये फिगर के अंदर बताया है, 14.20 के अंदर, ये सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। जो नीचे है वो ऊपर जो हैमर है उसके साथ जो क्या है वो टच होता है तो वो कंटिन्यूसली वरिंग करता है। देयर इज एन कॉन्टेक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। देखो, ये आयरन स्ट्रिप है, नियर बाय क्या है जो है वन स्क्रू टाइप्स है। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज एन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल विच बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो ये जो करंट पास करता है उससे क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप। इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्रिक्स द गोन्स ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। हाउएवर, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप, इट इज़ ऑल्सो ब्रेक द सर्किट। द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप फ्लोइंग वेल द कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। द कॉइल इज अ नॉट लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो ज़्यादातर लॉन्ग टाइम के लिए कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहता है। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप। द आयरन स्ट्रिप कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशंस and touches the contact screw again. This completes the circuit. The current flows in the coil and also hammer strike the gone again. This process is repeated in quick sessions. The hammer strike the gone every time the circuit is completed. This is how bell ring. यानी वो जो continue जो क्या है वो quickly हैमर स्ट्रिक जो साथ में होता रहता है तो फिर उससे क्या होता है, बेल ज़्यादातर रिंग होता है। सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।